समीर शिखर में 500 उपवास की कड़ी तपस्या और 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ससंग नागपुर में अंतर्मना श्री 1008 प्रसन्न सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जहां जैन समाज ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। राष्ट्रीय संत अंतर्मना आचार्य 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ससंग 14 मई रविवार को संतरा नगरी नागपुर में पहुंचे, जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया है। उनके आगमन पर बाजे गाजे के साथ फूलों की वर्षा की गई। आपको बता दें कि जैन समाज में ये इस युग के सबसे बड़े तपस्वी संत माने जाते हैं। इन्होंने अभी अभी श्री समेत शिखर में 500 उपवास की कड़ी साधना की है और वो 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ससंग कल एक दिन के लिए नागपुर आए। उनके अगवानी वेंकटेश सिटी KDK कॉलेज नंदनवन होते हुए जूनी शुक्रवारी मंदिर पहुंचे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर ट्रस्ट और अन्य संघों की ओर से समस्त नागपुर जैन समाज की ओर से महाराज का ससंग स्वागत किया गया। श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने उपस्थित जैन बंधुओं के साथ संवाद साधा, प्रवचन और भजन भी इस दौरान किए गए। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संपूर्ण नागपुर के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि ऐसे संत आज हमारी नगरी में प्रवेश किए हैं। जिस संत के जितने गुण गाएं उतने गुण कम हैं, क्योंकि ये एक ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने समेत सखीर जी में चतुर्मास किया और वो समेत सखीर जी में आप विश्वास नहीं करेंगे 540 दिन में 500 उपास बिना पानी के पहाड़ की वंदना करते हुए पूरी तरह तपस्या करते हुए उन्होंने 500 उपास निर्विघ्न किए और उसके बाद आप 2500 किलोमीटर पैदल चलकर आज समेत शिखर से नागपुर उनका आगमन केवल एक दिन के लिए आया है। ऐसे संत का नाम है अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी, जो ससंग आज नागपुर में प्रवेश किया है। आज लगभग 2015 में इनका चतुर्मास नागपुर शहर में हुआ था और लगभग आज 8 साल बाद इनका एक दिन के लिए नागपुर में प्रवेश हुआ है। खंडेलवाल जैन मंदिर में समस्त जन समुदाय में शुक्रवारी जैन मंदिर में और आज समस्त नागपुर के समाज इनके स्वागत के लिए जब सब लोग भीड़ उमड़ पड़ी है और पूरा समाज व्याकुल है गुरु के शब्द सुनने के लिए। आज यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं और यहाँ पर सभा लगी हुई है, जनसभा लगी हुई है। आपने यहाँ पर BCN न्यूज चैनल ने यहाँ आकर इसका कवरेज किया, इसके लिए मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और सकल जैन समाज आज यहाँ दिगंबर जैन महासमिति, तीर्थ रक्षा कमेटी, दिगंबर जैन महासभा, उलकमंच परिवार, परवारपुरा हमारा ट्रस्ट, खंडेलवाल ट्रस्ट, सभी ट्रस्ट नागपुर में जितने ट्रस्ट हैं सभी ट्रस्ट यहाँ उपस्थित हैं। सभी महिला मंडल आज उपस्थित हैं। लगभग 5000 से ज़्यादा लोग आज इस सभा में उपस्थित हैं। मैं सभी को दिल से जय जिनेन्द कहती हूँ और सादर जय जिनेन्द करती हूँ। लोगों की संख्या ज़्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। आज जितने लोग देश में मर रहे हैं, सुबह से उठने के बाद देर रात तक ठूस ठूस के यहाँ तक खाते हैं और फिर रात भर आवाज करते हैं और सुबह चले जाते हैं। अब आप सोचो, कल सुबह 9:30 बजे पानी का घूट पिया था, आहार किया था, उसके बाद फिर चले हम शाम को 12 किलोमीटर, सुबह चले 20 किलोमीटर, अभी साथ चल के फिर आए, पानी का घूट भी नहीं पिया है। यदि तुम एक दिन शाम को नहीं खाओगे तो मरने वाले, ये कौन बोल रहा है? जो खा के आए वो बोल रहे हैं, सब समझ रही हूँ। और निश्चित आपकी उत्सुकता, आपकी जिज्ञासा गुरुओं की, थोड़ा सा टेबल बढ़ाना भैया, साथ चार पंक्तियों के साथ छोटा सा भजन प्रस्तुत करूंगा कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई पड़ता है। वाह क्या बात है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई पड़ता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई पड़ता है। होली और दिवाली तो आते और जाते हैं, जिस नगर में संत हो और फिर प्रसन्न सागर संत हो उस नगर में आठों दिन त्योहार दिखाई पड़ता है, त्योहार दिखाई पड़ता है, त्योहार दिखाई पड़ता है। ये जो आपके समक्ष विराजमान है,
ये साधारण पुरुष नहीं है, युग पुरुष है। ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, युग पुरुष है जिनका इतिहास प्रेरणामय, वर्तमान आगे बढ़ाने वाला और भविष्य जिनका उदाहरण बन जाएगा। ऐसे अंतर्मना परम तपस्वी प्रसन्न सागर जी महाराज की सुनते सुनते शास्त्र को वज्र हो गए कान। वाह क्या बात है, सुनते सुनते शास्त्र को वज्र यानी बहरे हो गए, कुछ भी हो गए, वज्र हो गए कान। फिर भी तृष्णा ना मिटी मरघट पथ पर प्राण, मरघट पथ पर प्राण, मित्रों हर पल को जियो, मित्रों हर पल को जियो, अंतिम पल हो मान। अरे अंतिम पल है कौन सा, कौन सका पहचान। भव भव घूम चुका सुख दुख भोग चुका, भव भव घूम चुका सुख दुख भोग चुका, मोह तेरा मीत नगी दुश्मन के, दुश्मन के सुन इतना सदगुरु चरणा है शरणा, सुन इतना सदगुरु चरणा है शरणा। भव भव घूम चुका सुख दुख भोग चुका, मोह तेरा मीत नगी दुश्मन के, दुश्मन के सुन इतना सदगुरु चरणा है शरणा, सुन इतना सदगुरु चरणा है शरणा। जगो 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 गुरुवर, जगो जगो जय 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 गुरुवर, जय 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 जय। ओ NBC News के लिए अजित कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।